दोस्तों आपने SSDN की चोले डिस्क ड्राइव के बारे में सुना होगा। आज बात करते हैं ये काम कैसे करती है और ये होती क्या है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं सोलिड डिस्क ड्राइव होती क्या है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है निशांत ज्योति, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने SSDN की सोलिड डिस्क ड्राइव के बारे में सुना होगा। आज बात करते हैं ये काम कैसे करती है। सोलिड डिस्क ड्राइव इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जैसे कि आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है, सेम ये भी उसी प्रकार होती है। मैं कई लोगों का मानना कि हार्ड डिस्क का एक विकसित रूप है, मगर ये ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो हार्ड डिस्क का एक विकसित रूप है, मगर ये काम करती है जो आपके मेमोरी कार्ड होते हैं उसी टेक्नोलॉजी पर। यानी कि इसके अंदर जो आपको इसके अंदर हार्डवेयर देखते हैं, जो हार्ड डिस्क में होता है उसके अंदर आपको कई सारे प्लेट्स मिलते हैं, यानी कि उसके अंदर CD मिलती है आपको, मगर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड में जो हार्डवेयर होते हैं सेम सिर्फ का हार्डवेयर इसमें लगाए जाते हैं, बस ये साइजिंग थोड़े बड़े होते हैं। इसी कारण आपने कई बार देखा होगा कि जो SSD होती है वो वजन में हल्की होती है मुकाबले हार्ड डिस्क की। मगर जो SSD की स्पीड आपको ज़्यादा फास्ट मिलती है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग है वो आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग है वो सिर्फ दो हार्डवेयर के बीच में होती है, इसमें किसी दूसरे डिस्क को काम में नहीं लिया जाता। साथ ही साथ इसमें जो RPM होते हैं, आपने हार्ड डिस्क में देखा होगा कि इसमें हार्ड डिस्क में आपको RPM होती है 7200 या 5200 RPM। मगर सॉलिड डिस्क ड्राइव में RPM की कोई जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ सॉलिड डिस्क ड्राइव ये ज़्यादा गर्म नहीं होती, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनसे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ उन ट्रांजिस्टर में आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। और जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ऐसा नहीं होता। सॉलिड डिस्क ड्राइव में ट्रांजिस्टर के कारण इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट मिलती है, मगर जो सॉलिड डिस्क ड्राइव ये आपको एक्सपेंसिव लगी, मगर जो हार्ड डिस्क है वो आपको जो चीप क्वालिटी मिल जाती है। मगर जो सॉलिड डिस्क ड्राइव है ये आपको ज़्यादा फास्ट मिलती है, साथ ही साथ ये आपको वजन में भी हल्की मिलेगी। और आप इसे किसी भी जो आप नया कंप्यूटर डेवलप करना चाहते हैं या फिर कोई आपके पास लैपटॉप है उसमें जो आप नए लैपटॉप देखते हैं उनके अंदर आपको सॉलिड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों साथ ही मिल जाती है। यानी अगर कोई आप ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जो आपको ज़्यादा जरूरी है तो आप उसे हार्ड डिस्क ड्राइव से हटाकर सीधे सॉलिड डिस्क ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे वो प्रोग्राम आपका एकदम स्मूथ चलेगा। ये होती है सॉलिड डिस्क ड्राइव। जो उम्मीद आपको पता चल चुका है सॉलिड डिस्क ड्राइव क्या होती है, उसकी क्या क्या काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।